मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मैं मौजूद है मुमरा के नूरानी होटल के पास और आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के तरफ से जो है एक आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल जीएसटी के नई दरें जो है आज से लागू किया गया है और इसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी हो गई। जिस तरह से आटा, शहद और चम्मच और स्कूल की कॉपियां, पेंसिल, शॉर्पनर आदि सामान इस तरह से जो है महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। तो आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं और समाजवादी पार्टी के लोग इसके खिलाफ आज जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम महिलाएँ यहाँ पर हैं और जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं कलीम जमई, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे। आज आंदोलन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जीएसटी की नई दरें आज से लागू हुई है, क्या कहेंगे। ये जो अभी तक अभी जो अभी इस उसमें काल में कैबिनेट में जो राशन और रसोई और सारी चीज़ों पर दाल, आटा, चावल, मजदूरों की कम आमदनी को लेकर के जिस तरह से जीएसटी का टैक्स लगाया जा रहा है सरकार द्वारा, ये मजदूर और गरीबों का दमन है। इसके खिलाफ समाजवादी सरकार का ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। आज अबू आजमी साहब हमारे नेता आजाद मैदान में इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उनके आदेश और निर्देश पर समाजवादी पार्टी कलवा मुंब्रा के सारे सदस्य आज सड़क पर खड़े होकर के इस पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गरीबों और मजदूरों का दमन बंद करके जीएसटी का यह काला कानून वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, जब उसने जीएसटी लागू किया था, उस टाइम उसने वादा किया था कि हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, दही, दूध, उस पर हम कभी जीएसटी या टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन आज अपनी ही वादे से वो मुकर गई है और आज जीएसटी लगा रहे हैं। आज जब उनका विरोध हो रहा तो उनके लोग बोल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं श्रीलंका बन जा। जब अपोजिशन वाले पहले बोल रहे थे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, श्रीलंका की राह पे चल रहा है, तब तो मुखालफत कर रहे थे। आज जब जीएसटी लगा रहे हैं तो वही लोग बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हो श्रीलंका बन जा। हम इसका पुरजोर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने अबू आसिम आजमी नेता के उस पर हम इसका विरोध करते हैं। और साथियों, ये अमीरों की सरकार है। आप बार बार सुनते हैं कि पत्रकारों बंधु हमको बोलते हैं कि 11 लाख करोड़ जो है इन्होंने अमीरों का जो है कर्ज माफ़ किया और आज बैंक को करप्ट कर दिया। आज बैंक डूबने की कतार पे है। आज ये हो गया कि सिर्फ स्टेट बैंक के अलावा सबको प्राइवेट करने जा रहे हैं। एक ज़माना था कि ये गवर्नमेंट है, सरकार जो है आकर के सारी प्राइवेटाइजेशन खत्म कर करके उसको गवर्नमेंट के अंडर में लाई थी। आज ये बैंक को ख़त्म कर रहे हैं, उसमें जो है गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का नुकसान हो रहा है। आज मिडिल क्लास के लोगों को और गरीबों के ऊपर सिर्फ दमनकारी हो रही है। आपको एक बात और बता दूं, अभी कल की रिपोर्ट है कि जब पहले सरकारें थी जो गरीब लोग ही जो है सफ़र करते हैं रेलवे से, जब वो सफ़र करते थे, सीनियर सिटीजन होते थे, तो उनको 30% और महिलाओं को 50% उस पर छूट मिलती थी। अब ये सरकार जो है सब छूट सारी फैसिलिटीज बंद कर दी है और अपने आप को बोलती है कि हम गरीबों की सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है। हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं और विरोध करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो महंगाई है, नई जीएसटी की दरें जो लागू हुई है, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आटा, शहद और भी तमाम चीज़ें जो है महंगी हो गई है। आज से नई दरें जो जीएसटी के लागू होगी, इसमें आटा, शहद और भी ऐसे तमाम चीज़ें हैं, चम्मच, काटे वाला चम्मच, सभी चीज़ महंगे हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग आज इसी के तहत हम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन, हमारी सारे जितने भी हमारी महिलाएँ हम लोग सब बाहर निकले हुए हैं और अबू आसिम आजमी साहब के मतलब वो भी आज़ाद मैदान में इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत मैं मोदी सरकार से ज़रूर इस बात की निवेदन करूंगी कि वो हमारी किचन पे भी असर डाल रहे हैं। पेंसिल से लेके, बुक से लेके,
दूध पे, हर चीज़ पे, सिलेंडर पे जीएसटी लागू करके, और उसके बाद हम लोगों को मतलब हमारा पूरा बैलेंस हिल चुका है। हमारे जो मजदूर, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? एजुकेशन पे भी असर आ रहा है। तो मोदी सरकार से मेरी अपील है कि इस जीएसटी कानून को वापस ले, जो आटे पे, दाल पे, पेंसिल पे और बाकी सब पे लगाए हुए हैं। तो मैं उनसे बिल्कुल इस तरह, हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और उनसे ज़रूर मैं ये कोशिश करूँगी, हम लोग कोशिश करना चाहेंगे कि इसके ये वापस लें। आप क्या कहेंगे? मैं फरीना कुरैशी हूँ। सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की दिक्कतों का सामना हम लेडीज़ लोग को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे वो राशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जब तक दूसरी चीज़ों का जीएसटी हटेगा नहीं, हम लोग कैसे, हम लोगों का जीना हराम हो चुका है पूरी तरीके से, धीरे धीरे करके। सबसे पहले गैस है, फिर तेल है, तो आगे हम लोग क्या, मतलब हम लोग या घर में खाना बनाना भी बंद कर दें या जीना छोड़ दें, हम लोग क्या करें, किस तरीके से रहें और किस तरीके से अपने बच्चों का हम लोग आगे फ्यूचर बढ़ाएंगे। आपने सुना कि जिस तरह से महंगाई की मार लगातार जो है बढ़ रही है और जीएसटी की जो नई दरें आज से लागू हो रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं।